रेफरेंस। दोस्तों आज हम देखेंगे त्रिभुज, त्रिभुज कैसे काउंट करेंगे। देखो दिए गए त्रिभुज कितने त्रिभुज हैं। दोस्तों यहाँ पर अपन देखने जा रहे हैं कि इसमें कितने त्रिभुज हैं। देखिए दोस्तों आप आकर के आपके सामने है, ऑप्शन है 14, 16, 15, 20। देखिए अगर ऐसा त्रिभुज आपके सामने कैसे करना है, जो बीच वाला त्रिभुज है, ये जो बीच वाला त्रिभुज है ये अपने आप में इस त्रिभुज के अंदर त्रिभुज है और ये वाला भी इस त्रिभुज के अंदर त्रिभुज है। ठीक है, तो ये जो त्रिभुज है बीच वाला, ये बीच वाला त्रिभुज, ये वाला अपने आप में चार त्रिभुज लेके निकलता है। कितने त्रिभुज लेता है? चार। कौन कौन से हो गए? 1, 2, 3, 4। ठीक, अब ये आंख मीच के लिखते चार, तो दूसरा जो ये वाला त्रिभुज है, ये वाला है ना, इस त्रिभुज ने कितना लिया? चार। फिर ये वाला जो त्रिभुज है ये भी अपने आप में कितना लेके निकल रहा है? चार। ये वाला जो त्रिभुज है ये अपने आप में कितना लेके निकल रहा है? चार। 1, 2, 3, 4। ठीक है, अब कौन से बच्चे हैं? दोस्तों यहाँ पे जो 1, 2 और अपन 1, 2 इसको दो त्रिभुज ही मानेंगे, क्योंकि ये पूरा त्रिभुज यहाँ गिना चुका है। यहाँ गलती बच्चे यहाँ गलती करते थे कि इसको फिर 1, 2 और 3 इसको गिन लेते हैं, इसलिए गलत कर देते हैं, इसको इस वजह से गलत हो जाता है, क्योंकि यहाँ पे 1 और 2 इस तरह यहाँ 1 और 2 होगा, 1 और 2 यहाँ तो होती है, कितना होगा? 6 होगा, और एक पूरा त्रिभुज मिलके 1 और होगा, तो 4 में 4, 8, 6, 14 ने 15, तो कितना त्रिभुज होगा दोस्तों? 15 त्रिभुज हो रहे हैं। कितने हो रहे हैं? आया समझ? यहाँ से एक बीच वाला त्रिभुज है ये अपने आप में यहाँ से चार त्रिभुज लेके निकलता है, 1, 2, 3, 4। इसी तरह इसके ऊपर वाला है ये भी चार त्रिभुज लेके निकला, तो ये गिन लिया और ये वाला गिन लिया, ये गिन लिया और ये गिन लिया, क्योंकि ये अपने आप में त्रिभुज। फिर इसके बाद उन्होंने साइड वाले जो यहाँ पे 1, 2 ही त्रिभुज है, यहाँ पे भी 2 है, यहाँ पे भी 2 है, तो 6 त्रिभुज हो गए और ये पूरे मिलके गिन लिया, तो 4, 4, 8, 6, 14, 15 त्रिभुज। ठीक है दोस्तों, ध्यान रखना है ये नहीं कि इसको फिर डबल से 3 गिन लिया। अगला हाउ मेनी ट्रायंगल्स। देखिए दोस्तों ऐसे ट्रायंगल कैसे गिनेंगे, यहाँ से देखो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 कितने हो गए? 8। तो कुछ नहीं करना, 8 × 2 = 16, आंख मीच के लिखो 16 के लिखो, बस 8 × 16 कितने अंदर हो गया। देखिए दोस्तों अगला, अब इसमें कितने त्रिभुज हैं? देखिए दोस्तों अगर आप पहले वाली वीडियो से त्रिभुज से अगर आप सीख गए हैं, इससे आप सीख गए हैं, तो वीडियो को स्टॉप करके इसको पहले हल करने की प्रयास करें। ठीक है, देखिए दोस्तों ये वाला जो बीच वाला त्रिभुज है ये मैंने आपको बताया था कि ये चार त्रिभुज निकलता है, लेकिन इस त्रिभुज के अंदर जो है, इस वाले त्रिभुज के अंदर जो बीच वाला है ये कितने लेके निकला? 4। 1, 2, 3, 4। फिर ये वाला जो है ये फिर इस त्रिभुज के अंदर है, बड़े वाले के अंदर, तो ये भी कितना लेके निकलेगा? 4। 1, 2 और पूरा 3 और 1, 4। इसके बाद फिर ये वाला जो त्रिभुज है ये फिर इस बड़े के अंदर है, तो ये भी कितना लेके निकलेगा? 4। 1, 2, 3 और ये पूरा 4 निकला, और पूरा मिलके 1 और मिलेगा, तो 4, 4, 8, 4, 3, 12, 13 कितने त्रिभुज हो गए दोस्तों? 13 त्रिभुज हो गए। ठीक दोस्तों कितने हो गए इसमें? 13 त्रिभुज। नेक्स्ट अगले दिए गए चित्र में कितने त्रिभुज हैं? देखिए दोस्तों अब इसमें त्रिभुज है यहाँ पे, तो यहाँ से एक त्रिभुज तो बन रहा है, 2 बन रहा है,
लेकिन इस वाले पोजीशन से कोई त्रिभुज नहीं बन रहा है, इस वाले पोजीशन से त्रिभुज नहीं बन रहा है, फिर ऊपर वाला बन रहा है, इसलिए अपनी यहाँ से नहीं गिनेंगे, यहाँ से गिनेंगे। देखो यहाँ से एक त्रिभुज दिया है इसे, और ये दो, यहाँ से इस वाले पोजीशन से अपन गिनेंगे, यहाँ तक का गिनेंगे अपन, इस वाले भाग से अपन गिनेंगे, तो एक दो और एक पूरा मिलकर तीन, तो इस बिंदु पर कितने त्रिभुज हो गए, तीन हो गए। इसी तरह यहाँ एक दो और पूरा मिलकर यहाँ पे कितने हो गए, तीन हो गए। इसी तरह यहाँ एक दो और पूरा मिलकर तीन त्रिभुज है। अब देखते हैं दोस्तों, इस बिंदु की बात करते हैं, इस बिंदु के बीच में एक लकीर आ रही है सीधी से, बीच में जो लकीर आ रही है ये बड़े त्रिभुज को दो भागों में डिवाइड कर रही है, एक तो ये त्रिभुज बन रहा है और एक ये त्रिभुज बन रहा है, यहाँ से दो त्रिभुज बन रहे हैं। इसी तरह यहाँ से लकीर देखते हैं तो ये बीच में निकल रही है, इसको भी दो भागों में डिवाइड कर रही है, तो दो त्रिभुज यहाँ से बन रहे हैं, इसी तरह दो त्रिभुज यहाँ से भी बन रहे हैं। ठीक है दोस्तों, तो तीन तीन छः तीन की अनु दो दो चार दो छः, और एक पूरा त्रिभुज मिलके एक और गिना जाएगा, तो नौ छः पंद्रह ने सोलह त्रिभुज हो गए, कितने हो गए दोस्तों, सोलह त्रिभुज हो गए, हो गए सोलह ट्रायंगल इसमें हो गए दोस्तों। ठीक है, नौ छः पंद्रह ने सोलह, एक पूरा भी अपन गिन लिया। नेक्स्ट अगला गिनता है दोस्तों, लास्ट वाला है, देखिए अगर अपनी कितनी त्रिभुज है दोस्तों, अगर ऐसा ट्रायंगल आपके सामने आए तो क्या करेंगे, जैसे वन टू थ्री फोर, ठीक है, वन टू थ्री फोर, वन टू थ्री फोर, यानी चारों तरफ चार चार है, तो कुछ नहीं करना, चार का स्क्वायर करो, चार चौक सोलह, सोलह में दो का गुणा करो, बत्तीस और माइनस पाँच घटाओ, सत्ताईस ट्रायंगल, कितने बोले दोस्तों, सत्ताईस ट्रायंगल लिखो। ठीक है, ये केवल पाँच तक ही, चार तक की प्रक्रिया सही है, चार के आगे कुछ और नया नियम लगेगा, चार तक ही नियम सही है, ये वाला नियम, चार चौक सोलह, तीन में तीन हो, तीन तीन हो, तीन चार तक, बस पांच में भी नियम नहीं लगेगा, तो चार चौक सोलह, सोलह और सोलह दोनों दो का गुणा करो, बत्तीस, बत्तीस में पांच घटाओ, सत्ताईस, ठीक है दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो साथ, जब तक के लिए बाय, और थैंक्स फॉर माय वाइज वीडियो दोस्तों, वीडियो अच्छा लगे इसको लाइक करें और दोस्तों को शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें।